तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है। 25 क्वेश्चन में गिवन है, लेट एम एंड एन बी टू पॉजिटिव इंटीजर, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन। एम एंड एन भी दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनकी वैल्यू वन से बड़ी है, ऐसा कुछ गिवन है बच्चों। और उसके बाद बच्चों आपके पास गिवन है कि लिमिट अल्फा टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है। तो बच्चों इस बड़े से एक्सप्रेशन को देख के आपको डरना नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए कि e की पावर में लिखा है कॉस अल्फा एन, क्या लिखा है कॉस अल्फा एन माइनस ई होल डिवाइड बाय अल्फा की पावर एम। तो बच्चों आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से आप e कॉमन ले लीजिए। जैसे ही बच्चों e कॉमन लेंगे, ये आपके एक स्टैंडर्ड की तरफ क्वेश्चन अप्रोच करने लगेगा। स्टैंडर्ड क्या पढ़ाया जाता है बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x, ये क्या होता है वन होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये e की पावर x में क्या ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, क्योंकि अल्फा अगर जीरो डालेंगे तो cos जीरो वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला स्टैंडर्ड बच्चों यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि e की पावर में जो भी वैल्यू है cos अल्फा की पावर n माइनस वन वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। लेकिन बच्चों डिनोमिनेटर पे है नहीं, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई और यहाँ पे न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड उसको कर दिया, ताकि आपका पूरा फॉर्म क्रिएट हो जाए। और बच्चों जब फॉर्म क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास ये पार्ट समझ में आना चाहिए कि ये पार्ट तो एक झटके से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये e की पावर x माइनस वन अपॉन x का स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखिए, वन माइनस कॉस एक्स, क्या वन माइनस कॉस एक्स को देख करके आपको कुछ याद आता है? और नहीं याद आता है तो आप पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, और माइनस कॉमन ले लीजिए के वन माइनस कॉस एक्स अपॉन अल्फा की पावर एम लिखिए। मेरे ख्याल से अब आपको याद आ गया होगा कि बच्चों कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे वन कैंसिल हो जाए, तो आपके पास फाइनली बच्चों ये आ जाएगा। ध्यान से देखिए, आपका आ गया होगा टू साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू, साइन स्क्वायर अल्फा की पावर एन बाई टू है, तो उसको मैंने दो बार लिख दिया बच्चों इस तरह से। और नीचे बच्चों क्या है, अल्फा की पावर एम है, तो बच्चों मैंने क्या किया, अल्फा की पावर एन बाई टू, अल्फा की पावर एन बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया, ताकि फिर से एक स्टैंडर्ड बन जाए साइन एक्स अपॉन एक्स वाला, क्योंकि वो वन होता है अगर एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करता है। तो बच्चों अब आप जब पूरी तरीके से ये काम करेंगे तो आपके पास न्यूमिरेटर में एक टू बचेगा, और अल्फा की पावर टू एन बाय फोर, नीचे अल्फा की पावर एम जो था वो एज इट इज नजर आएगा, और बाहर बच्चों ई था ही। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ये आंसर चाहिए क्या, आपको इसका आंसर क्वेश्चन का पहले गिवन है माइनस ई बाई टू। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों आपके पास पहले ही से गिवन है कि माइनस ई बाई टू है। और बच्चों अगर आप इसकी वैल्यू माइनस ई बाई टू कर देते हैं तो ये लिमिट आ क्या रही है, ये लिमिट आ रही है अल्फा की पावर टू एन माइनस एम, और ये टू वन जा टू, टू टू जा फोर, और ऊपर एक की, तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आ रही है। यानी कि अल्फा की पावर बच्चों क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में अल्फा तो है नहीं। इसका मतलब टू एन माइनस वन, टू एन माइनस एम जीरो होना चाहिए। जैसे ही आप टू एन माइनस एन को जीरो कर देंगे बच्चों, तो वहां से आपके पास एम और एन का रेशियो आ जाएगा एम इज टू एन। तो बच्चों एम एन एम इज टू एन आपका टू इज टू वन निकल करके ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन एडवांस का है, तो आपको ये पूरा समझना भी होगा और इसकी वर्किंग भी आपको एक बार खुद से करके चेक करनी होगी। सॉल्यूशन पूरा आपकी स्क्रीन पे है ही, आप इसको स्किप करके बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।